हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने इनिशियल फुटेज देखा होगा कि हम कहाँ पे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम आज नेशनल स्टेडियम में आए हुए हैं जहाँ पे दिल्ली स्टेट के हॉकी टूर्नामेंट हो रहे हैं। और यहाँ हमने आके जो देखा है वो डेफिनेटली आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के बच्चों से जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में हैं, और यहाँ के ऑफिशियल से, कोचेज से, कि क्या वो यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर देखते हैं और किस तरह से यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सर। मैं महेश दयाल, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली हॉकी यूनिट ऑफ हॉकी इंडिया, ये नेशनल स्टेडियम में खड़ा हूँ, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। 6 कैटेगरीज के टूर्नामेंट करा रहे हैं और बहुत आप देख ही रहे हैं कितनी रौनक है। अभी 18th को हमारे फाइनल सारी कैटेगरीज के, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साई ने हमें इतना सपोर्ट किया है, जो ग्राउंड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है। हमारा उस दिन फ्लड लाइट के अंदर हमारे टूर्नामेंट फाइनल्स के होंगे, और हमारी लड़कियां बहुत बूस्ट कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छी खेल रही हैं लड़कियां, सारी की सारी सीनियर जूनियर सब जूनियर, और हमारे जूनियर्स बहुत अच्छे बच्चे। ये सब जब पॉजिटिविटी आती है तो उसका रिजल्ट तो आता ही है। और ये सब एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पर, अपने प्रधान साहब हैं, DG साई, उनका बहुत आशीर्वाद है हमारे पर, बत्रा साहब का है बहुत। ये अभी तो ये जस्ट द बिगनिंग, नॉट द एंड, बहुत कुछ होना है। सर, जैसे अभी हम डिफरेंस अगर देखें आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले बच्चों के जो यहाँ पे ग्राउंड में जो कन्वर्ट होते थे, आके प्रैक्टिस करते थे, और आज के डेट में जो आफ्टर जो ओलंपिक जो चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस आपने महसूस किए बच्चों? ओलंपिक मेडल आने के बाद चेंजेस तो आएंगे। पहले हम लोग सिरमौर थे, पूरे राजा थे दुनिया के, वो हारने की वजह से हॉकी तो छूटती है। लेकिन अब जो मेडल आया उसके बाद, अब आज स्लॉट में ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं साई, क्योंकि इतना भीड़ हो गई है, एक साथ तो खिला नहीं सकते, फिर कोविड की वजह से पूरे स्लॉट में देना पड़ता है। तो बहुत सारी टीम्स निकल के आ रही हैं, और ये सिर्फ मेडल जीतने की वजह से, इनके जो लड़कियां हैं हमारी, इनके माँ बाप इनको परमिशन देते हैं, इतनी दूर दूर से आती हैं यहाँ पर, के उन सबको सलूट करता हूँ मैं, उन लड़कियों के माँ बाप को। सर, मैं जैसे अभी अंदर जाके भी देख रहा था माहौल, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव माहौल मुझे लगा जी, बहुत पॉजिटिव ओवरऑल, कि यहाँ पे सभी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं ये टूर्नामेंट जो हो रहा है। पर इवन यहाँ बारिश के बावजूद भी यहाँ पे मोरल बच्चों का बहुत ज़्यादा हाई है। किसी भी तरह से मैंने ये नहीं देखा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि बारिश हो रही है, क्या करें, जिस हिसाब से फैसिलिटी है। तो मैं डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी को, जिस थैंक यू मैं आपका भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे मीडिया पहले सिर्फ क्रिकेट को कवरेज देती थी, आज की डेट में मीडिया अब हॉकी के लिए भी आने लगी, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी लड़कियों का, हमारे बच्चों का। कहीं नाम आता है उनसे, वो अपने परिवार में दिखाते हैं, उसको देख करके दूसरा बच्चा हॉकी के फ्रंट, और सबसे बड़ी बात है ना, जो हॉकी खेलता है फिर वो गलत काम नहीं करता। आज ही न्यूज़पेपर में एक खबर है, हर 10वां बच्चा स्कूल का, हर 10वां बच्चा ड्रग्स लेता है। अरे ये बच्चे जो ये जो ग्राउंड्स में आते हैं जो खेलेंगे, उनमें जान ही नहीं है तो कुछ गलत काम करेंगे ही नहीं। तो स्पोर्ट्समैन को सबसे ज़्यादा मेन जो उसका वो है, मेरी बॉडी ठीक होनी चाहिए। जिसको बॉडी बनाने का शौक हो जाएगा तो वो तो गलत काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए आप भी सभी को मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, स्पोर्ट्समैन बनाएं, प्लेयर बनाएं। पढ़ाई वढ़ाई जो करनी हो तो करें साथ साथ, ज़रूरी थोड़ी कि हर कोई ओलंपियन बनेगा, या ज़रूरी थोड़ी कोई इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन प्लेयर होना बहुत ज़रूरी, स्पोर्ट्समैन होना बहुत ज़रूरी, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को डिफाइन किया, थैंक। और ये एक हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक मौका है जो हमें यहाँ पे आपने परमिशन करवाई है कि इवन हम यहाँ पे आके नहीं प्लीज़ इन इवेंट्स को नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका फिर धन्यवाद है, साई का धन्यवाद है, सारे हमारे बच्चों का धन्यवाद है, सारे आ रहे हैं। मेरा काम है हॉकी को बूस्ट करना, और मैं आया इसीलिए, मरते दम तक करूँगा जी। श्योर सर, हम आपके साथ रहेंगे। चलो, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जी। मैं श्री प्रकाश, सीनियर हॉकी कोच, नेशनल स्टेडियम में हूँ, और ये जो आपके सामने टूर्नामेंट चल रहा है, पीछे मेरे बच्चे खेल रहे हैं, ये दिल्ली हॉकी चैम्पियनशिप चल रही है, जिसमें जो है सब जूनियर जूनियर और सीनियर, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में मैचेस खेले हुए, और जो है इसमें दिल्ली की अच्छी अच्छी टीमों ने भाग लिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओलंपिक अभी जो 41 साल बाद हमारे देश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इस समय हमारे बच्चे बड़े मोटिवेटेड हैं उसको देख के, और काफ़ी पेरेंट्स के अभी इस समय फ़ोन आते हैं कि हमारा बच्चा भी हॉकी खेलना चाहता है, और बच्चे काफ़ी जो है उत्साहित हैं इस माहौल को देखते हुए। और इसमें जो है, आप सबसे पहले मैं जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के जो हमारे अधिकारी हैं और हमारे खेल मंत्री, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है ये सभी जो सुविधाएँ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी हैं। अब स्टेडियम को अगर किसी संस्था ने बुक कराना है तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता,
और जो है ये सब चैम्पियनशिप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट के मैदान, जो मैदान बुक हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो है इसीलिए जो ना अब ये पूरे दिन यहाँ पर हॉकी का माहौल रहता है। इसके ये सब सारा श्रेय जो है हमारे खेल मंत्रालय को और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण को जाता है, जिन्होंने ये सुविधाएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी और यहाँ पर जो है विश्व स्तर की सुविधाएँ हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास जो है हॉकी के ट्रफ है और बाकी जो सुविधाएँ हैं बड़ी अच्छी हैं, और इसको यहाँ पे आती जो है प्लेयर जो है एकदम से मोटिवेटेड हो जाता है, उत्साहित हो जाता है और उसमें उमंग आ जाती है उसके अंदर, और वो अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे भी जो है हमारे बच्चे जो हैं इसको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे अभी जो है आने वाले दिनों में हॉकी के और अच्छे दिन आएंगे और हमारी दिल्ली की हॉकी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। मेरा नाम ललिता है और मैं मुंडका स्कूल में एज ए PET अभी एम्प्लॉय हूँ, एंड यहाँ नेशनल स्टेडियम में मैं आई हूँ क्योंकि यहाँ मेरी अभी रिसेंटली मैं NIS कर रही हूँ पटियाला से, हॉकी से, तो मेरी यहाँ इंटर्नशिप आई है, अभी 2 मंथ की इंटर्नशिप चलेगी और साथ ही मैं अपनी टीम के साथ ही यहाँ पे सीनियर स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी हम सेमीफाइनल्स में पहुँच गए हैं, कल हमारा सेमीफाइनल्स है और कल हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे फाइनल्स तक पहुँच के और फाइनल भी जीत कर ही जाएं। मेरा नाम मनीषा वर्मा है और मैं SPM कॉलेज से फॉरवर्ड खेलती हूँ। आज हमारा मैच था तो आज हम हारे हैं लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, मतलब बहुत बच्चों ने एफर्ट किया है, जो हमारे कोचेज हमको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमको दे रहे हैं जिससे कि हमें किसी चीज़ का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितु रानी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। मैम, आप अपने हॉकी के कैरियर को कैसा देखते हैं? एक्चुअली हमारा खुद का तो कैरियर तो अच्छा रहा, जैसे हम लोगों ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी किया था, जो लास्ट टाइम 36 साल के बाद हमने क्वालिफाई किया, वो हमारी बिग अचीवमेंट थी, और अभी भी हमारी टीम जो खेल के आई है ओलंपिक्स में और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, मतलब उस टाइम से, लास्ट टाइम इतना अच्छा नहीं था हमारा ओलंपिक्स, बट इस बार जो परफॉर्मेंस रही उससे हॉकी को बहुत सपोर्ट मिली है, मतलब उसके वजह से और प्लेयर्स को इंटरेस्ट हुआ कि हमें हॉकी खेलनी है। तो डेफिनेटली, और आज से अगर हम कंपेयर करें पिछले ओलंपिक में जो तैयारी थी और जो इस बार की तैयारी में है, उसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? तैयारी तो वैसे ही है, सेम ही है, मतलब जो चीज़ हम तब भी फिटनेस हम लोगों ने पूरी की और अब भी फिटनेस पूरी करते हैं। मेन होता है कि कई बार टीम का भी डिफरेंस होता है, अब टीम बच्चों को एक्सपीरियंस हो गया, पहले छोटे थे इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहले ओलंपिक्स में, पर 4 साल में बहुत कुछ सीखता है एक प्लेयर। तो जो नए प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हॉकी ज्वाइन किया है, जो नेशनल लेवल तक गए हैं, जो नेशनल टीम में सेलेक्टेड हुए हैं, तो उनके मोटिवेशन में आपको कुछ नया दिखाई दिया इस बार? नहीं बिल्कुल, जो भी अभी ओलंपिक्स में भी थी, जैसे नेहा गोयल थी, नवनीत है, ये लोग काफ़ी यंग है और ओलंपिक्स खेलना एक बहुत बड़ी बात है, एक प्लेयर का ड्रीम होता है, चाहे वो कोई भी गेम हो, सब गेम्स में सबसे बड़ा ड्रीम ओलंपिक्स होता है, तो वो लोग की वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो लोग अच्छा खेले और हमें ये भी उम्मीद है कि अभी जो एशियन गेम कॉमनवेल्थ होने वाले हैं उसमें भी वो लोग अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। मैम, जो अभी आपने देखा होगा कि ग्राउंड लेवल पे जो इनिशियल अपना करियर स्टार्ट करते हैं लोग, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करें तो आज के डेट में गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, ग्राउंड पे हैं, तो मगर अनफॉर्चुनेटली हर कोई एक नेशनल टीम तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए उनको स्टार्टिंग से क्या अपना मोटिवेशन रखना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जब हम भी छोटे थे हम भी अपने सीनियर प्लेयर्स को देख के हमने सीखा है, उनको देख के हमें लगता था कि वो लोग कैंप्स में जाने की बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है जब हम नेशनल कैंप में सेलेक्ट होते हैं, तो मेनली यही है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको देख के हम ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं और उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और बाकी यही है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें फल ज़रूर मिलेगा और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। और आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? फैमिली का पूरा सपोर्ट है क्योंकि मेरी फैमिली स्पोर्ट्स से ही है, मेरे मदर इन लॉ भी हॉकी कोच हैं साई में, पूनम बाला है उनका नाम, और मेरे हस्बैंड है हर्ष शर्मा, वो भी हॉकी प्लेयर है, तो मेरे खुद की फैमिली में जो पेरेंट्स में वहाँ पे मेरा ब्रदर है वो भी हॉकी खेलता है, तो मुझे बहुत सपोर्ट है, वो अभी भी मुझे कहते हैं कि नेशनल टीम में जाके तुम खेलो, तो मुझे उधर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से चाहे हमारे इन लॉज की तरफ से। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।
तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं हमारे एक ऐसे ही सीनियर कोच से जो बताएंगे कि वो किस तरह से यहाँ अपनी टीम को लेके आए और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो सर आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह जग्गी है, मैं श्यामलाल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एजेंशनल प्रोफेसर हूँ और श्यामलाल कॉलेज की हॉकी टीम लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दिल्ली स्टेट में हमारी टीम फाइनल खेल रही है जिसका मैच परसों 18 तारीख को खेला जाएगा। ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो सर आप यहाँ पे जैसे आज यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इसमें जो साई का इन्वॉल्वमेंट है आप कैसा देखते हैं कि उनकी तरफ से वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे प्लेयर्स निकालने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट जो कर रहे हैं वो आपको कैसा दिखाई देता है? साई का एक अपना एक प्रोसीजर है उनको अडॉप्ट करने का, उनकी अपनी स्कीम है। फिलहाल तो ये है कि जो टूर्नामेंट है साई ने फ्री ऑफ कॉस्ट फेडरेशन को ये ग्राउंड दे रखा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी साई के अपने सेंटर चल रहे हैं और एक्सेलेंस सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे कोचिंग का उनका पूरा प्रोसीजर है जो चल रहा है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। उसके अलावा भी आउटसोर्सेज जो और भी हमारे पास अकेडमियाँ खुल रखी हैं वो भी हॉकी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। okay. साई के अलावा भी। ओके सर, सो जैसा कि आपने देखा कि साई ने ये नेशनल स्टेडियम का जो हॉकी ग्राउंड है डिफरेंट टीम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पे टीम्स आके प्रैक्टिस कर सकती है। नेशनल लेवल के फैसिलिटीज़ जहाँ पे होती हैं कि किस तरह के ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे, किस क्या परफॉर्मेंस रियली आउटकम होने वाली है वो आके वो देख सकती हैं, जज कर सकती हैं। और सर जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि टीम्स का मॉरल यहाँ पे स्टेडियम में आके कैसा हो जाता है? बट नेचुरल की जो इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है जहाँ पे वर्ल्ड कप खेला गया है, एशिया के स्टार्टिंग हुआ है, वहाँ पे जब नए बच्चे खेलने आते हैं मेन ट्रफ पिच पे खेल रहे हैं उनको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और वो चाहते ही हम हॉकी खेलें और साथ में जो उनके साथ देखने वाले आते हैं उसके बाद वो भी लोग मोटिवेट हो रखे हैं और ओलंपिक मेडल के बाद हॉकी के काफ़ी मतलब फॉलोअर भी बढ़ चुके हैं और काफ़ी लोग हॉकी खेलना भी चाहते हैं आज की डेट के अंदर। हॉकी को एक रिस्पेक्टेड वे में भी देखा जा रहा है दोबारा से। श्योर सर, तो सर लास्ट क्वेश्चन, आप हॉकी का फ्यूचर इंडिया में अब कैसा देखते हैं आफ्टर मेडल? हॉकी का फ्यूचर पास्ट भी बहुत अच्छा था और फ्यूचर भी हमारा बहुत अच्छा होने जा रहा है और जिस तरह की हमारी प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, बस ये है कि हमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी होनी बहुत ज़रूरी है वरना हम हॉकी का पूरा भंडार इकट्ठा कर लेंगे लेकिन बच्चों को फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी तो काफ़ी बच्चा आने वाले टाइम पर बहुत बेकार हो जाएगा। अगर हम सिर्फ हॉकी को, कितने बच्चों को जॉब मिल पाएगी? तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिशिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज हॉकी का फ्यूचर बहुत अच्छा है और जिस लेवल का इंडिया ने परफॉर्म किया है उसी लेवल पर बाकी लोग भी जो बच्चे नई जनरेशन आ रहे हैं वो भी उसी तरह से खेलना चाहते हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। तो सर नए प्लेयर को आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चा आज के डेट में घर में है वो चाहता है जो हॉकी खेले या फर्स्ट टाइम हॉकी को पकड़ना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए ये कि दिल्ली में डिफरेंट जगह है जैसे अशोक नगर में सुभाष नगर है या झिलमिल में शाहदरा में है, सिंगू बॉर्डर में टफ लग रहा है, खेड़ा में है, नागलोई में है, खेड़ा आपका रानी खेड़ा में है, जाए हॉकी सेंटर्स बने हुए हैं वो बच्चे उन सेंटर्स में जाएँ अपना और हॉकी को स्टार्ट करें खेलने के लिए। वहाँ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कोचेज हैं, एक्सपीरियंस सीनियर्स प्लेयर्स हैं जो बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और अभी तक हॉकी जो मोटिवेट हुई है वो जो ग्रासरूट लेवल पे अदर देन साई है उनकी वजह से काफ़ी मोटिवेटेड मान के चलूँगा क्योंकि स्टेडियम नेशनल स्टेडियम में कितने बच्चे यहाँ पाते हैं खेलने के लिए, तो डिफरेंट सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में खोल रखे हैं तो वहाँ पे उनको जाना चाहिए, वहाँ से हॉकी स्टार्ट करनी चाहिए और मतलब वो उनका वेलकम कर रहे हैं बाकी लोग आने के लिए। श्योर, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज के डेट में फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपको हॉकी में अपना करियर बनाना है तो अपने घर के पास में जो भी सेंटर्स हैं उसका पता करें और हम भी कोशिश करेंगे कि इन सेंटर्स के बारे में डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन में दें, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने करियर की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स देखा आपने यहाँ का माहौल कितना बूस्टअप है, कितना चार्जअप है। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं चाहे वो यंग नए एंट्री जिन्होंने किए या वो सीनियर प्लेयर हों वो हॉकी को रियली बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। टूर्नामेंट चाहे कोई भी हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे, सभी अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग उनके इस एफर्ट को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि आने वाले टाइम में 18 सितंबर को यहाँ पे दिल्ली स्टेट का फाइनल होने वाला है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ के मैच के पूरी डिटेल आप तक सही तरीके से पहुँचे और सीनियर हॉकी प्लेयर से भी हम बात करें और उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के नए नए गेम्स और इन गेम्स से जुड़ी सारी जानकारियां हम आप तक लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच।